नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त अंबिकापुर में हैं। अंबिकापुर में हम निकल रहे थे, यहाँ पे हमें कुछ प्रेरक मिले। उन्होंने बताया कि उनकी भर्ती सरकार में संविदा के तौर पर 2006 में हो गई थी और 2018 आया। इस बीच कई जितनी बार चुनाव हुए हर बार वादा किया गया कि उनको परमानेंट किया जाएगा और अब ठीक 2018 के चुनाव से ठीक पहले 6 महीने पहले उनको नौकरी ही मतलब उनकी संविदा छोड़ी, मतलब परमानेंट तो छोड़ी है, उनकी संविदा ही खत्म हो गई है। तो उनकी क्या शिकायतें हैं? उनका कहना है कि इस बार भी ये घोषणा पत्र में सरकार के है जबकि इस समय उनको सैलरी तक नहीं मिल रही, वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर शुक्ला, मैं संभाग अध्यक्ष सरगुजा साक्षर भारत संगठन से। क्या शिकायतें हैं? मेरी शिकायत ये है महोदय कि 2013 के घोषणा पत्र में हमें बखूबी लिया गया था कि आप लोगों को शिक्षा कर्मी बनाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हमने बड़ा जोश खरोश के साथ समस्त विभागों को टेकल करते हुए जो आदेश आया शासन के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, उस काम को हमने बड़ा बखूबी निभाया। जो काम अपने से बन पड़ा वो तो किया ही, जो नहीं बना उसे अगल बगल शिक्षाविदों से जानकारी लेकर के हमने कार्य को संपन्न करा। प्रेरक का काम क्या है? प्रेरक का काम मूल रूप से है 14 वर्ष से ऊपर के लोगों को शिक्षा प्रदान करना, अच्छा, अक्षर ज्ञान और उन्हें स्वावलंबी बनाना। छत्तीसगढ़ में कितने प्रेरक हैं? छत्तीसगढ़ में 17,000 प्रेरक हैं। 17,000? जी, हर पंचायत में एक महिला एक पुरुष पदस्थ हैं जिनकी नियुक्ति मिनी पीएससी के माध्यम से की गई थी। 17,000 लोगों की भर्ती 2006 में हुई थी? 2006 में कुछ कम लोगों की हुई थी और 2009 में जब एक कार्यक्रम को नया स्वरूप दिया गया तो इसमें एक महिला एडमिशन भी किया गया। पहले हम पुरुष ही थे अकेले, इसके बाद 2009 में एक महिला एडमिशन किया गया तो इसमें हम बढ़ करके 17,000 हुए हर पंचायत में दो। और इनकी घोषणा पत्र में हम शिक्षा कर्मी का उम्मीद करके अच्छे से काम करते रहे, इसके बाद आज 2018 में मार्च में मौखिक तौर से हमें निकाल दिया गया, कोई आदेश नहीं। इसके बाद आज के घोषणा पत्र में इनके ये आया है कि हम आपको शिक्षा कर्मी में प्राथमिकता देंगे कार्यरत प्रेरकों को, जबकि हम कार्यरत हैं ही नहीं। मार्च 2018 से हम कोई कार्यरत नहीं हैं। पूरे 17,000 लोगों को निकाल लिया गया? पूरे के पूरे 17,000 और पूरे देश में 5 लाख, हम 5 लाख लोगों को निकाल। आपका क्या नाम है? परमानंद गुप्ता। परमानंद जी, उन्होंने बताया पूरे 17,000 लोगों को निकाल दिया गया है और इस बार फिर वादा किया गया है। पिछली बार भी किया गया था और इस बार, तब की बार आपको क्या लगता है सरकार कुछ करने वाली है जबकि आप लोग भी फिलहाल तो नौकरी में है भी नहीं? जी जी, हम लोग तो पूरी तरह नर्वस हैं आपके इससे, सरकार से। और रहा सवाल जिस तरह से हम लोग को ये लॉलीपॉप दिए थे शुरू से, 2006 से हम लोग नियुक्त थे, 2006 के बाद 2009 में फिर दोबारा महिला प्रेरक को भी लाया गया, इससे हम लोग लगभग 17,000 समथिंग यहाँ छत्तीसगढ़ में हो गए। और ये आशा रखते थे हम लोग मोदी सरकार से, जो मोदी आए थे तो मोदी ने कहा था कि सभी को रेगुलर कर देंगे और सभी का मानदेय उचित उनका सम्मानजनक देंगे, लेकिन वो सम्मानजनक मानदेय क्या देंगे आज तक हम लोग इंतजार करते रह गए, ना हमको सम्मानजनक मानदेय मिला, बल्कि मानदेय तो छोड़िए हमको सीधे बाहर कर दिया गया। कितना मानदेय है आपका? अभी मात्र प्रेरकों का 2,000 है और कार्यक्रम समन्वयकों का 6,000 था। कितना वादा किया था करने को उन्होंने? जैसे मोदी जी के हम लोग सुने थे तो मोदी जी के बात में कि कम से कम कलेक्टर दर पे प्रेरकों को देंगे और 17-18 हज़ार कार्यक्रम समन्वयकों को देंगे। इसी उम्मीद पर हम लोग मोदी जी पर निर्भर थे और उनका साथ दिए थे शुरू से और उम्मीद भी करते थे कि जब भी मोदी जी शासन में आएंगे तो हमको सम्मानजनक देंगे। मेरा नाम श्रीमती लुति लुसिया खेस है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं सूरजपुर जिला से हूँ, ठाकुरपुर ग्राम पंचायत से। मैंने मतलब ये साक्षर भारत कार्यक्रम के पहले ही सतत शिक्षा कार्यक्रम में काम शुरुआत से किया, लेकिन शुरुआत से जब से किया और महिलाओं के ऊपर बहुत सारा प्रोग्राम था, इसलिए महिलाओं के ऊपर बहुत सारे हमारा जितना भी छत्तीसगढ़ के अंदर पे है शुरू से लेकर के, जैसे हमारा सरगुजा जिला से लेकर के पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा ऑल राउंडर हमने किया जेंडर कोऑर्डिनेटर के नाम पर। और इसमें थोड़ा सा ये लगता था कि महिलाओं के ऊपर जो काम किया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको हमने बहुत बेहतरीन रूप से अपना समय को समय नहीं देखा और मतलब अपना बच्चा को बच्चा नहीं देखा, समय को समय नहीं देखा, परिवार को परिवार नहीं देखा, रात बिकार एक करके हमने मतलब क्या बोलते हैं इस काम को बहुत बेहतरीन, जो हमको काम जिम्मेदारी दिया गया था उसको हमने सौंपा, मतलब सौंपा गया काम को, हम बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन उसको धीरे धीरे बोला कि कुछ ना कुछ मतलब मानदेय बढ़ेगी, आज बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, दो बढ़ेगी। एक साल हमने बिना पैसे का काम किया, उसके बाद में 700 रुपये की मतलब 500 रुपये देने की बात हुआ, 500 के बाद 700 हुआ, 700 के बाद में मतलब
क्या बोलते हैं ये एक 2000 की बात हुई, तो 2000 बात हुआ तो 2000 के बाद में बताया गया कि इतना से तो नहीं होता है, ऐसा सब बहुत सारी चीज़ें, और तुम लोग काम करते जाओ काम करते जाओ, तुम लोग को मतलब कुछ ना कुछ बढ़ोतरी दिया जाएगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से सभी लोग मिल करके बहुत इतना काम किए, महिला लोग भी अपना, जेंट्स लोग भी, जैसे महिला लोग को दो लोग सरकार शिकायत की आपने किसी से? कई लोगों से हम लोग कई बार मैं मतलब राष्ट्रपति भवन में भी मतलब अवार्डेड बहुत हुई, मतलब इस सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ से, और अपने कार्य मतलब जो कर रही थी उसमें बहुत सम्मानित हुई मैं, इंडोर स्टेडियम में भी सम्मानित हुई, और मैंने मतलब आपके विज्ञान भवन में भी सम्मानित हुई, लेकिन मतलब सम्मानित तो होकर का ही, बट वहाँ हम वहीं के वहीं रह गए। आपके पास नौकरी नहीं है? हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, हम अपने बाल बच्चों तो को भी हम कुछ कर पा रहे हैं, बेरोजगार हो गए, और हम लोगों को नीचे से स्तर के लोगों को कुछ ज्ञान तो दिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों को किए, लेकिन हम अपने लिए ही मतलब कुछ नहीं कर पाए। जी, सरकार ने फिर वादा किया है इस बार, आपको विश्वास है पूरा करेंगे? नहीं, वो सरकार तो जो कह रही है कि ये मतलब करेंगे, लेकिन हमको बीजेपी सरकार से हमको कुछ भी मतलब उम्मीद नहीं है, हम आश्वासन से बिल्कुल निराश हो चुके हैं, अब हम उनके ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो क्या करेगा हमको। इस बार चुनाव में क्या करने वाले हैं फिर आप लोग? नहीं, हम तो अपना हमारा मतलब ये है, हम अच्छे अपना जो ये है, चुनाव में विरोध प्रदर्शन, भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ में हमारे द्वारा अभी राष्ट्रीय जो पुरस्कार है हमारे कार्य के तहत 25 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनको महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इनको ना देखते हुए शासन जो है हमको दरकिनार करके हमको बेरोजगार कर दिया गया है। हम अभी सरकार के ऊपर, हमारे समस्त छत्तीसगढ़ के 11,000 प्रेरक, उनके परिवार और उनके साथ हमारे नीचे अनुदेशक हैं, जो लगभग 2.5 लाख अनुदेशक पूरे छत्तीसगढ़ में हैं, वो मिलकर भारी विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ शासन को कर रहे हैं। तो ये थे शिक्षा प्रेरक, 17,000 लोगों की नौकरी चली गई चुनाव से भी ठीक पहले, इतनी बड़ी सरकार ने रिस्क क्यों ली, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इन लोगों को, तमाम लोगों ने बताया कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, तमाम पुरस्कार मिले, मगर नौकरी, एक परमानेंट नौकरी नहीं मिल पाई। अब इस आने वाले चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है ये देखने वाला होगा। लल्लन टॉप आपको लगातार ऐसे ही और तमाम वर्गों से उनकी शिकायतें और उनकी ज़रूरतें हैं वो दिखाता रहेगा। आप देखते रहिए लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।